बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी होगी, सेकंड भी होगी, थर्ड भी होगी, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन हमने कल की थी, लेकिन वो एक अलग तरीका था डेरिवेशन का। ये पेपर में लाजमी आते हैं, पेपर में लाजमी आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वही हम एक बंदे लेंगे जो दौड़ेगा साइकिल लेके। ये कोई रोड है, यहां पे 0, 1, 2, 3, 4, ये पॉइंट ए से जा रहा है पॉइंट बी तक। इसके पास बाइक है, बाइक नहीं साइकिल है। साइकिल पे बैठा हुआ है ये बंदे जा रहे हैं। अब ये साइकिल पे है, मान ले यहां पे ये रेस्ट पे है, जब टाइम जीरो था। ये ए से बी आ रहा है, तो जब यहां पे इसकी शुरू की जो वेलोसिटी है जब हमने देखी वो बी आई थी, इनिशियल। ये बंदा इनिशियल वेलोसिटी पे था। जब ये ए से बी आ जाएगा तो कुछ ना कुछ ये वेलोसिटी इसकी चेंज होगी, क्योंकि साइकिल के ऊपर बैठ के आप जब लगातार पेडल मारते हैं तो उससे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ऐसा ही होता है शुरू में, आज तक जब तेज मारते हैं तो फिर स्पीड तेज हो जाती है, मतलब एक्सेलरेशन आ जाता है, वेलोसिटी चेंज हो रही होती है हर सेकंड बाद। तो ये बंदा यहां पे आ गया, साइकिल चेंज हो गई थोड़ा। अच्छा, ये यहां से यहां आया, इसके कुछ ना कुछ टाइम भी लिया होगा, ऐसा नहीं उड़ के आया एकदम बिजली की तरह, लेकिन इसे यहां पे इसकी वेलोसिटी vf होगी। vf क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। अब इसको ग्राफ में कैसे जाहिर करेंगे? जब ग्राफ के अंदर जाहिर करेंगे, शो करेंगे, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम, ये वेलोसिटी है, टाइम ले रहा है और इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, बंदे में क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन आ रहा है। जब वेलोसिटी चेंज होगी, जी कब आए वो भाई? भाई कब आए? भाई बोल रहा है कि 30 मिनट में, 3 बजे बोल रहे। अच्छा, इसका क्या है? एक्सेलरेशन है बंदे के अंदर, क्योंकि उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। आप आहिस्ता आहिस्ता भाग रहे हो, फिर तेज भाग रहे हो, तो इसका मतलब आपके उसमें एक्सेलरेशन है। तो इसने कुछ ना कुछ टाइम भी दिया है और इसकी फाइनल वेलोसिटी भी है। तो इनके बीच में एक ताल्लुक, एक रिलेशन, वो रिलेशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, टाइम के लिहाज से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये ग्राफ क्या, कौन सा ग्राफ होगा? वेलोसिटी टाइम का। जब टाइम के लिहाज से वेलोसिटी चेंज हो, यहां लेंगे वेलोसिटी, यहां होगी टाइम, यहां होगा टाइम, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दो चीजें देता है, एक तो एक्सेलरेशन देता है, दूसरा डिस्टेंस। डिस्टेंस कब देता है? उस ग्राफ के नीचे वाला जो एरिया है, नीचे वाली जो जगह होगी, वो क्या देगी आपको? डिस्टेंस देगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये यहां से यहां था, जीरो था, जीरो से फिर ए पे गया, ए पे गया ना, ए ले जाते हैं, तो ए में इसकी वेलोसिटी क्या थी? वी आई थी। यहां भी जब था, ये इसकी वेलोसिटी क्या थी? वी आई थी। फिर यहां से इसकी वेलोसिटी में लगातार इंक्रीज आया, तो इंक्रीज कैसे शो कर गया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के मैंने तीन तरीके बताए थे। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सीधी लाइन में, ये किसको बता रहा है? यूनिफॉर्म मोशन को, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को बता रहा है। पर बंदा साइकिल चला रहा है, यूनिफॉर्म तो नहीं है, लगातार बढ़ रही है स्पीड। तो ये यूनिफॉर्म मोशन, हमने लाइन सीधी नहीं लगानी, हमने लाइन ऐसी रखनी है। क्यों? ऐसी लाइन किसको शो कर रही होती है? वेरिएबल वेलोसिटी को, या वेरिएबल मोशन को, या दूसरे लफ्जों में एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। इसको शो कर रहा है क्योंकि बंदे ने एक्सेलरेशन, हमने बात की थी वहां पे, तो इसमें एक्सेलरेशन था। तो ये ए से कहां तक जाता है? बी तक। जब ये ए से बी जाएगा तो इसने कुछ कुछ क्या किया? टाइम भी दिया। वो टाइम कितना लिया? जितना यहां से इसके बराबर, इसके नीचे जितना आएगा, इसके नीचे जितना आएगा वही टाइम लेगा। वो टाइम भी जो वही टाइम लेगा। हम ग्राफ बनाते थे ना, इस तरह याद है, 1, 2, 3 यहां पे देते थे, 1, 2, 3 हम इसको ऐसे देखते थे, ऐसे 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 ज्वाइन करते थे, मतलब यहाँ 3 सेकंड है, फिर यहाँ 3 है, तो हम ऐसे मिलाते थे ना। तो टाइम नीचे वाला टाइम को बताएगा, ऊपर ये क्या, किसको बताएगा? वेलोसिटी को बताएगा। तो यहाँ पे टाइम कितना गया, ये कैसे पता लगाएंगे? हम ऊपर से नीचे एक लाइन लगाएंगे, ये लाइन जिधर आके मिल जाए उतना टाइम उसने लिया है बंदे ने। यहाँ ए से बी आने में, ए से बी आने में कितना टाइम लिया? टी टाइम लिया।
अब हमने एक डिस्टेंस देखना है या एक्सेलरेशन देखना है, तो एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होगा? हमने कहा है कि ओ से ए तक इसकी वेलोसिटी की क्या थी, वी आई थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, ध्यान रखना। जब ये बी पे गया तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी एफ होगी, क्योंकि बी पे क्या है, बी पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ है, फाइनल वेलोसिटी बी पे वी एफ है। तो हम देखना है इस ग्राफ के नीचे जो वाला एरिया देखना, तो वो कैसे देखेंगे, एरिया यहाँ पे किस तरह का दिख रहा है, ये एरिया किस तरह का दिख रहा है हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे इस एरिया को पता लगाने के लिए, इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे। मतलब यहाँ दो शक्लें दिख रही है, दो तरह की शक्लें हैं, दो तरह के फिगर है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो हम एक चीज यहां से बिल्कुल क्लियर कट बताएंगे, वो क्या, कि ये जो है यहां से यहां ओ से ए क्या है, वी आई है, ये तो इस पॉइंट को भी हम नाम देंगे सी, सी करके कुछ नाम दे सकते हैं, ए बी सी, और यहां जो मिला है इसको भी नाम देंगे डी, ए बी सी डी। देखें जितना ओ ए है ये वी आई के बराबर है, और जितना सी डी होगा ये भी किसके बराबर होगा, ओ ए वी आई के बराबर कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो ये जितना ये वी आई है तो ये भी वी आई होगा, और ये क्या होगा, बी सी पूरा वी एफ होगा, बी सी पूरा वी एफ होगा। यहां ये लिखते हैं हमने ऐसा नहीं लिखते कि ओ ए बराबर है किसके, सी डी के, और ये दोनों किसके बराबर है, वी आई है, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर, ओ ए बराबर है सी डी के, और ये दोनों किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी के, बी सी किसके बराबर, बी सी वी एफ के बराबर है, फाइनल वेलोसिटी। एक और चीज हम कह सकते ओ सी जितना है इतना एडी भी है, ओ सी जितना है इतना एडी भी है, तो हम लिख सकते हैं ओ सी बराबर है एडी के और ये बराबर है टी के, ये चीज हमें पता लगे टाइम के बराबर, क्योंकि यही तो टाइम दिया था उसने, ओ सी सी वो वाला टाइम है जो उसने ए से बी जाते हुए लिया था, जो इस रोड पे चल रहा था। तो अब हम निकालना चाहते हैं फाइनल इंडस्ट्री क्या होगी, इसको वी बी सी निकालना चाहते हैं, तो जो बी सी है पूरा बी सी ये जमा करें बी सी, ये पूरा बी सी किसके बराबर होगा वो देखना चाहते हैं, और ये ए बी क्या है, स्लोप, ए बी क्या होगा, स्लोप, तो हम ये निकालेंगे ए बी की क्या चीज है, स्लोप, और स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये आपकी डेरिवेशन ये थोड़ी मुश्किल है, लेकिन कल वाले मैंने ये कराई थी वो बहुत ही आसान थी, ये स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन। तो हम एक चीज करेंगे बी सी किसके बराबर होगा, BC, ये पूरा BC किसके बराबर है, यहां देख के बताओ, BC बराबर है BD जमा DC, BC बराबर है BD प्लस DC, BD प्लस DC, तो हम लिख सकते हैं BD प्लस DC, BC किसके बराबर है, VF के, ये लिख सकते हैं BC, DC के लिए क्या लिख सकते हैं, VI, DC के लिए क्या लिख सकते हैं, तो मैं लिखूंगा VF इक्वल टू BD प्लस BC की जगह क्या लिख सकते हैं, VI, VI, VI लिख दिया। अच्छा CD और DC में एक ही बात है, आप यहां से पकड़ लो या उसको से पकड़ लो कहीं से भी पकड़ लो, तो BD निकालने की जरूरत है नहीं। अब BD क्या कैसे निकालेंगे, इस ट्राइंगल में आ रहा है, इसमें इस ट्रायंगल के अंदर आया, मैं आखिर में एक दफा और रिपीट कराऊंगा आपके आसानी के लिए, इस ट्रायंगल में आया बी डी निकालने के लिए, बी डी निकालने के लिए ए डी को हमने क्या कहा, स्लो, ए डी को क्या, ए डी को क्या कहा है, स्लो, यानी कि हाई पार्टीन्यूस जो ट्रायंगल में होते, ट्रायंगल ऐसा होता है इसको क्या बोलते हैं, हाई पार्टीन्यूस, ये स्लो है हमारा इस ट्रायंगल में देखते हैं, तो बी डी निकालेंगे साइड पे करके, कि बी डी किसके बराबर होगा, BD किसके बराबर होगा, ये हम निकालना चाह रहे हैं, तो देखिए BD के BD कैसे निकालेंगे, स्लोप AB, AB किसके बराबर है, A के, एक्सेलरेशन है, AB क्या है, A है, और AB किसके इक्वल होगा, ये परपेंडिकुलर है डिवाइड बाय बेस, आपको AB बता रहा हूं, AB बताना है, AB कैसे बताओ, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ये परपेंडिकुलर होती है, जो सीधी होगी उसको परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होती है, तो परपेंडिकुलर क्या है, BD, बेस क्या है, AD, AD लिख दिया, अब ये AD क्या है, A है ना, एक्सेलरेशन, तो ये A लिख सकते हैं, AD खत्म करके A लिख सकते हैं, तो BD हमें नहीं पता, AD तो पता है, AD क्या है,
टी है, ए डी क्या है टी है, तो ये बी डी किसकी टी को इधर लाओ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए टी इक्वल टू बी डी, बी डी किसके बराबर आया ए टी के, यहां लिख दो वी एफ इक्वल टू ए टी प्लस वी आई, ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन ये मैंने कल ही निकाली थी आपको समझ आई होगी, तो ये फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं फिर एक बार रिपीट कराऊंगा इसको शुरू से समझा रहा हूं, देखें हमारे पास क्या था, एक बंदा था, ये बनाने की जरूरत नहीं है सर, ये मैंने ऐसे समझाने के लिए जो ए से बी जाना चाह रहा, जब ए पे था उसकी वेलोसिटी वी आई थी, ये ग्राफ अभी हमने वी आई बताया, जब बी पे चला जाएगा उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाएगी। अब इसको हमने ग्राफ, ये बंदर कांस्टेंटली मतलब ये बंदे की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, लगातार चेंज आ रहा है एक्सेलरेशन का, तो हमने ग्राफ पढ़े हुए, जो सीधा ग्राफ होता है वो यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, जाहिर करता है, जो बीच में सतह वेरिएबल को छोड़ता है, तो हम ये यूनिफॉर्म वाला नहीं लगाएंगे इसके लिए वेरिएबल वाला, तो वेरिएबल वाला बनाया हमने ए से बी गए और ए से बी गए, फिर इसको इसके साथ मिला दिया, तो इस पॉइंट को हमने सी नाम दिया, इसको डी नाम दिया, फिर इससे इसके साथ मिलाया, फिर हमने इस ए बी के नीचे वाले जगह को देखा, नीचे में देखा तो दो तरह की जगह थी, एक रेक्टेंगल था, ये क्या है आपके पास रेक्टेंगल, और ये क्या है ट्राइंगल, दो दो चीजें हमें नजर आई, एक रेक्टेंगल है एक ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल है एक ट्राइंगल है, तो हमें क्या करना होगा कि हम ये जहां पे लिख के छोड़ दिया कि ओ ए वी आई है, ओ ए बराबर है बी सी के या सी डी के, जो कि वी आई के बराबर, इसके बराबर नहीं है ना, तो दोनों क्या होंगे वी आई, इसी तरह बी सी, बी सी कौन सा होगा ये पूरा शुरू से लेके आकर तक, ये तो आकर में क्या वी एफ थी, तो यहां पे आकर में हमने क्या लिख दिया वी एफ लिख दिया, इसी तरह ओ सी जो नीचे वाला ओ सी है ये बराबर है ओ डी के बराबर, ए डी के बराबर, ओ सी जितना है इतना ए डी भी कर दिया, और ओ सी बराबर ले लिया ए डी के, और ये किसके बराबर हो गया टी के टाइम के, तो हमने बी सी को देखा कि बी सी किसके बराबर है, आप यहां से यहां देखोगे, जब जहां से यहां आएंगे तो बी डी किसके बराबर है, इस तरह देखते हैं, जैसे मैं कहूं जहां से आपके पास जगह ए है, ए से बी जाना है, बी से सी जाना है, तो मैं कहता हूं ए सी कितना है, तो आप क्या बोलोगे ए बी जमा बी सी जो है वो पूरा ए सी बराबर है, ऐसा बोल सकते हो ना, मैं कहता हूं ए सी कितना है, तो आप क्या बोलोगे ए बी को जमा करो फिर उसको बी सी को जमा करो, यही पूरा ए सी होगा, ऐसा कहते हैं ए सी एक बड़ी जगह, ए सी के अंदर छोटी छोटी दो जगह जो ए बी और बी सी जमा करेंगे तो ए सी आ जाएगा, ऐसा कह सकते हो, तो बी सी कैसे आ जाएगा बी डी को जमा करेंगे डी सी के साथ, बी डी को जमा करेंगे डी सी के साथ, बी डी को जमा करते हैं डी सी के साथ, हमने कह दिया बी सी, बी सी जो बी एफ है यहां पर लिख के छोड़ा, बी सी क्या है बी एफ है, बी डी उसी तरह रख देंगे, DC क्या होगा BI, क्योंकि यहां पे हमने लिख दिया BI है, तो हम लिखेंगे BD का निकालेंगे, अब बाकी तो हमें पता था BD नहीं पता था, BD निकालेंगे हमने क्या किया ये स्लोप देखा AB, AB जो है वो A है एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहां जहां से जहां जा रहा था एक्सेलरेशन था, बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा था, तो एक्सेलरेशन BD, एक्सेलरेशन क्या होता है परपेंडिकुलर बेस ट्रायंगल परपेंडिकुलर हो बेस, परपेंडिकुलर क्या है बीडी है, ये बीडी परपेंडिकुलर है और एडी क्या है बेस, एडी बेस, तो बीडी में क्या लिखूंगा बीडी लिखूंगा, बीडी का पता करना है हमें, एडी की जगह में टी लिख सकता हूं तो बीडी बराबर होगा एटी, क्योंकि यहां आके मल्टीप्लाई हो गया बीडी बराबर हो गया एटी के बराबर, तो अब यहां पे बीडी में हम लिख सकते हैं एटी, तो VF equal to VI plus VF equal to AT plus VI, इसको बुक में ऐसा लिखा होता है VF equal to VI plus AT लिखा होता है, यही आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जो कि न्यूमेरिकल से सॉल्व करते हैं, इस न्यूमेरिकल से इस इक्वेशन से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, इसकी ध्यान रखते हैं, ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसके बाद हम बनाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर भी बात करेंगे, ये ड्राइव करने का दो तरीके हैं, एक तरीका मैंने कल बताया था एक ये वो वाला थोड़ा आसान था, लेकिन वो वाला भी मैं एकदम समझा दूंगा आपको वो कैसे बताएंगे, लेकिन अभी उसकी ओर बात है कि जो फसल आए ड्राइव करना वो बहुत जल्दी हो जाता है, वो बहुत जल्दी हो जाता है, वो क्या है लेकिन अफसोस वो आपकी बुक में नहीं दिया अफसोस, लेकिन हालांकि उस तरह देना चाहिए इस तरह बच्चे को समझ नहीं आती, पहले इक्वेशन एक्सेलरेशन के फार्मूले से निकलती है,
पहली इक्वेशन एसिलेशन के फार्मूले से निकलती है। तो देखिए एसिलेशन का फार्मूला हम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? एसिलेशन किसके इक्वल होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ये बहुत आसान है, डिवाइड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल वी लिख सकते हैं या वी एम माइनस वी आई लिख सकते हैं। चेंज को क्या लिख सकते हैं? वी एम माइनस, इसके ऊपर एरो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर। तो ये लिखेंगे वी एम माइनस वी आई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, नीचे टी की जगह टी लिख दे टाइम। अब ए को इधर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा, टी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे ए टी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, वी एम माइनस वी आई। तो वी आई माइनस से इधर आके क्या होगा? प्लस। तो ये होगा वी आई प्लस ए टी इक्वल टू वी एफ। ये बस ये आसान है, ये नंबर जोड़ना है, ये ग्राफिकल है, लेकिन ये डायरेक्ट यहां से हम क्या कर दिए, मैं भी बता रहा हूं, चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, नीचे टाइम की जगह टी लिखते हैं क्योंकि इधर टी टाइम भी आता है यहां से जाने जाने में, और इसकी वेलोसिटी में चेंज भी आया था। क्या चेंज आया था? वी आई से वी एफ बन गई थी, इसकी वजह से शुरू में कम थी बाद में ज्यादा बन गई थी, इसलिए मैंने किया वी एम माइनस वी आई करेंगे, लेकिन t को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई ए टी वी एम माइनस वी आई, तो वी वी आई क्या यहाँ पर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा वी आई प्लस ए टी, तो वी एफ होगा वी आई प्लस ए टी। आप इस तरह करें या उस तरह करें, दोनों तरह ठीक है, ये आपके बुक में नहीं है, ये आपके बुक में था इसलिए मैंने करवाया, जो पसंद है वही करें, लेकिन मार्क्स इससे भी मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। इस तरह हम अपने सेकंड क्वेश्चन में पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।